Hello everyone, welcome back to Decode UPSC. During UPSC preparation, बहुत सारे aspirants को ये issue आता है कि current affairs के लिए हम कौन से resources follow करें. क्या हम newspaper पढ़ें, या हम monthly magazine पढ़ें, या फिर हम PT365 follow करें. So ये सारे doubts बहुत सारे aspirants के मन में आता है. So in this video, हम deal करेंगे कि UPSC 2024 prelims के लिए हमें कौन से करंट अफेयर्स फॉलो करने चाहिए. बिकॉज ड्यूरिंग ईच स्टेज करंट अफेयर्स का कौन सा आपको एस्पेक्ट फॉलो करना है ये चेंज हो जाता है. जैसे कि ड्यूरिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन यू कांट रिलाई ऑन मंथली मैगजीन और PT365 फॉर दैट मैटर, क्योंकि आपको उस टाइम पे एनालिसिस, डीप एनालिसिस चाहिए होता है जो कि आपको न्यूज़पेपर से मिलेगा. बट ड्यूरिंग प्रीलिम्स और मेंस, उस टाइम पे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो कितना डिसएडवांटेजेस हो सकता है, कितना एडवांटेज होगा, क्या इनपुट आउटपुट रेशियो होगा. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टैकल दैट इशू. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले. सो बहुत सारे एस्पायरेंट्स के मन में सबसे पहला जो डाउट होता है वो होता है कि न्यूज़पेपर या मंथली मैगजीन. सो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताता हूँ, क्योंकि मैंने मेरे 3 अटेम्प्ट्स फेल्ड रहे हैं, मतलब आई कुडंट क्लियर प्रीलिम्स, और 2 अटेम्प्ट्स मेरे सक्सेसफुल रहे थे ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एचपीएससी, आई एम टॉकिंग अबाउट यूपीएससी ओनली. सो अब जो पहले मेरे 3 फेल्ड अटेम्प्ट्स थे उसमें मैंने क्या फॉलो किया था, उसमें मैंने न्यूज़पेपर भी रीड किया था, ऑन अ डेली बेसिस मैं रीड करता था. उसके अलावा मैं मंथली मैगजीन फॉलो करता था. ये दोनों मेरे मेन सोर्स ऑफ करंट अफेयर्स थे. इसके अलावा मैंने कुछ भी रीड नहीं किया था ड्यूरिंग माई फर्स्ट 3 अटेम्प्ट्स. लेकिन और इस टाइम पे मैं PT365 बिल्कुल भी रीड नहीं करता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि इफ़ आई हैव कंप्लीटेड माई मंथली मैगजीन्स आई एम गुड टू गो. एंड और टेस्ट सीरीज में स्कोर अच्छे आते भी थे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सॉल्व भी होते थे. बट मैंने देखा कि इन अटेम्प्ट्स में तो मैं पेपर ही पूरा कंप्लीट नहीं कर पाता था. सो आफ्टर दैट आई चेंज्ड माई स्ट्रेटजी. आई स्टॉप रीडिंग न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर ना मेरा दिन में नियरली 1.5 आवर ले रहा था. और ये तब था जब मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ना आ गया था, लाइक द हिंदू पढ़ना मेरे को, आई वॉज एबल टू रीड इट, आई वॉज एबल टू कट डाउन द अननेसेसरी आर्टिकल्स. ये तब है 1.5 आवर्स. इनिशियली तो मेरे को मतलब रीड करने में 2 घंटे लग रहे थे, तो वो 2 घंटे. एंड सबसे ज़्यादा मैटर ये करता कि वो 2 घंटे मुझे एट द एंड ऑफ द ईयर जब मुझे प्रीलिम्स वाले दिन चाहिए, क्या वो सारे न्यूज़ एक्यूमुलेटेड हैं मेरे दिमाग में? नहीं, मेरे को याद नहीं आता. दूसरी चीज़, उसके बाद मैंने अपने प्रीवियस 2 अटेम्प्ट्स में सिर्फ और सिर्फ PT365 किया. इसका रीज़न ये था कि आई वॉज वर्किंग एज वेल, सो मेरे पास टाइम कंस्ट्रेंट था. आई डिडेंट हैव दैट लग्जरी ऑफ 12 आवर्स एंड 14 आवर्स अ डे. सो इन दैट सिनेरियो व्हाट आई डिड, आई रिलाइड ऑन PT365. इसका एडवांटेज भी था, डिसएडवांटेज भी था. इफ आई टॉक अबाउट एडवांटेज, तो वो ये था कि मैं करंट अफेयर्स के लिए सिर्फ लास्ट के 3 महीने में पढ़ता था. एंड इफ आई टॉक अबाउट डिसएडवांटेज, देन आई विल से कि मुझे बैकग्राउंड में बिल्कुल भी पता नहीं होता था कि न्यूज़ रिलेटेड किससे है, टॉपिक्स किससे के साथ. मैं तभी अवेयर होता था जब मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ, तो दैट टॉपिक इज न्यू टू मी, जो भी PT365 में लिखा हुआ है. मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं था कि ये चीज़ न्यूज़ में थी नहीं थी. तो ये डिसएडवांटेज था मेरे लिए, क्योंकि अगर मैं मंथली मैगजीन रीड करता और फिर PT365 पढ़ता तो आई कुड हैव बेटर अंडरस्टूड द थिंग, और मेरे को पता रहता कि हाँ यार ये चीज़ इस टाइम पे न्यूज़ में चल रही थी. सो दैट वाज माय लॉस. बट PT365 से ये हुआ कि आई वाज एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, नॉट ऑल द क्वेश्चंस बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर्स. एंड देन और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि मैंने प्रीवियस 2 अटेम्प्ट्स में न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर क्यों कर दिया था, उसके लिए रीज़न है. पहला, ये टाइम कंज्यूमिंग है. मुझे 1.5 आवर्स लग रहे थे अगर मैं एडिटोरियल्स के साथ रीड करता था. एंड एडिटोरियल्स में कुछ एडिटोरियल्स आपके होते हैं जो यू नीड टू रीड इट, आप हर एडिटोरियल को स्किप नहीं कर सकते. सो वो 1.5 आवर्स, क्योंकि मैं नोट्स नहीं बनाता था, सो एट द एंड ऑफ द डे मुझे 5-10 दिन तक तो वो न्यूज़ याद रहती थी, वो फैक्ट्स याद रहते थे. बट क्योंकि मैंने उन फैक्ट्स को जॉट डाउन नहीं कर रखा था, तो प्रीलिम्स वाले दिन उतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो ईयर मतलब डे बाय डे मैंने रीड करी थी
और जो फैक्ट्स थे उन्हें याद करे थे, वो एग्ज़ाम हॉल में याद नहीं आते। सो दैट वॉज टाइम कंज्यूमिंग। और अगर मैं वही 2 घंटे स्टैटिक को दूँ, अगर मैं वही 1.5 घंटे 2 घंटे स्टैटिक को देता हूँ, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यार कि मैं पॉलिटी इकोनॉमी के क्वेश्चन सही कर दूंगा, रादर देन जस्ट रिलाइंग ऑन करंट अफेयर्स। क्योंकि करंट अफेयर्स 50% नहीं आता, क्योंकि आपका एग्ज़ाम स्टैटिक ही क्लियर कराएगा, करंट आपका क्लियर नहीं कराएगा। दूसरी चीज़ जो कि इस ये टॉपिक हमने ऑफकोर्स बात कर ली इस बारे में, कि एग्ज़ाम में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिकॉल करना, यार वी आर ह्यूमंस एंड और हम बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं मानता कि वी आर सो मच इंटेलिजेंट और सो मच ऑफ रट्टाफिकेशन हमारा इतना स्ट्रांग है कि हम सब कुछ जो पढ़ें वो एग्ज़ाम हॉल वाले दिन सब हमको याद भी हो। दैट इज़ टोटली डिफिकल्ट एंड इट्स डिफिकल्ट फॉर एवरी वन, ईच एंड एवरी वन, इवन टॉपर्स हैव दिस डिफिकल्टी, दे कांट रिकॉल एवरी थिंग इन एग्ज़ाम हॉल। सो रादर देन कीपिंग एवरी थिंग योर माइंड, अननेसेसरी थिंग्स और मल्टीपल रिसोर्सेज ऑफ करंट अफेयर्स, फॉर मी इट वॉज लाइक कि एक रिसोर्स पढ़ो, मल्टीपल टाइम्स रीड कर लो, 2-4 क्वेश्चन हो सकता है छूट जाए जो न्यूज़पेपर से आए हों, बट ओवरऑल जो इनपुट आउटपुट रेशियो है वो सही है। और अगर 2-3 क्वेश्चन छूट भी जाते हैं और बाकी तुम 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कर पा रहे हो, सो आई डोंट थिंक इट्स अ बैड डील। फिर जो थर्ड इशू आता है, क्योंकि हर कोई मतलब पुराने छाफल तो है नहीं कि 3-4 अटैम्प्ट दे चुके हैं एंड दे नो हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर। मोस्टली जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें बहुत डिफिकल्टी होती है ये डिफ्रेंशिएट करने में कि विच न्यूज़ इज़ इम्पॉर्टेंट एंड विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। सो ये डिफ्रेंशिएट करना बिगिनर के लिए डिफ़िकल्ट होता है, तो वो क्या करते हैं, वो पूरा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। एंड पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने में फॉर अ टू अ बिगिनर मुझे नहीं लगता कि उसे कम से कम 2 घंटे से कम टाइम लगेगा, और ये 2 घंटे मैं कह रहा हूँ एट मिनिमम, हो सकता है इससे ज़्यादा भी लगे, क्योंकि बिगिनर को नहीं पता कि हाउ टू रीड इट। और द हिंदू की वोकैब भी थोड़ी सी, इट्स नॉट लाइक कि एक नॉर्मल बंदा आया एंड जस्ट स्टार्टेड रीडिंग इट और उसे सब कुछ समझ में आ रहा है, ये नहीं होगा। सो दैट्स अनदर पॉइंट वाई वी शुडेंट रीड न्यूज़पेपर फॉर प्रीलिम्स। आई एम टॉकिंग हेयर स्पेसिफिकली अबाउट प्रीलिम्स, नॉट फॉर इंटरव्यू और एनी अदर स्टेज, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीलिम्स ओनली। तीसरी बात है लो आउटकम। वाई आई एम सेइंग दैट देयर इज अ लो आउटकम, बिकॉज आप ये सोचो कि एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम में क्वेश्चन है करंट के, तो क्या वो सिर्फ पिछले 1 ईयर से आते हैं? इवन आप 2023 का एग्ज़ाम उठा के देख लो प्रीलिम्स का, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2020 में न्यूज़ में थे, जैसे कि वोलबाचिया वाला जो क्वेश्चन आया था वो 2020 या 2021 में न्यूज़ में था, आई हैव रेड इट एट दैट टाइम। सो इसलिए मतलब वो क्वेश्चन स्टिल मेरा गलत हुआ है, बट वॉट आई एम सेइंग कि वो पिछले 1 साल का नहीं पूछ रहे यार, वो पिछले 2 साल 3 साल 4 साल ऐसी चीज़ें पूछ रहे हैं, वो कंटेम्प्रेरी अफेयर्स पूछ रहे हैं, वो करंट अफेयर्स नहीं पूछ रहे। इफ़ दैट थिंग इज़ इन न्यूज़ और बीच में एक आर्टिकल आ गया, दे विल आस्क, लेकिन आपको लगेगा कि ये एक आर्टिकल तो 2022 में आया था, बट वो न्यूज़ उस टाइम पर नहीं थी, वो न्यूज़ थी 2021 में 2020 में। सो अगर पिछले 1 साल का वो पूछ ही नहीं रहे हैं, सो और पिछले 1 साल से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यार मुझे नहीं लगता कि देर इज़ अ नीड और नेसेसिटी टू रीड दिट होल न्यूज़ पेपर। दैट्स ऑफकोर्स माई पर्सनल ओपिनियन, बट ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बिना न्यूज़ पेपर रीड करे मैंने 2 प्रीलिम्स निकाले हैं, और न्यूज़ पेपर जब मैं रीड कर रहा था तब मैंने नहीं निकाले थे। मैं ये नहीं कह रहा कि जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूज़ पेपर रीडिंग आई कुडेंट क्लियर इट, बट वॉट आई एम सेइंग कि आई कैन सेव लॉट ऑफ टाइम। अगर सिर्फ मैं 2 आवर्स डेली बचाऊँ ना, तो 365 दिन बचा के मैं मोर देन 750 आवर्स बचा सकता हूँ अपने, और 750 आवर्स इफ आई पुट इन समथिंग एल्स आई थिंक आई मास्टर दैट थिंग। सो दैट्स माई पॉइंट ऑफ सेइंग नो टू न्यूज पेपर फॉर प्रीलिम्स ओनली। सो व्हाट्स द सॉल्यूशन? सो सॉल्यूशन लाइज अकॉर्डिंग टू मी, ऑफकोर्स आई हैव रेड ओनली PT 365 बिकॉज आई वॉज वर्किंग, बट पीपल हु आर नॉट वर्किंग प्रोफेशनल हु आर गिविंग होल डे फुल फ्लेजेडली जो UPSC के लिए प्रेप कर रहे हैं, फॉर दोज स्टूडेंट मुझे लगता है कि व्हाट दे कैन डू, वो एक मंथली मैगजीन पकड़ें किसी भी कोचिंग की और उसी कोचिंग का PT 365, जो कि ऑफकोर्स PT 365 थोड़ा लेट आता है, इट कम्स इन मार्च और फेब, सो आप सिर्फ उस पर रिलाई मत कीजिए, आप मंथली मैगजीन उठाइए और उसे रीड करना चालू कर दीजिए।
एंड मंथली मैगजीन को रीड करने में व्हाट यू विल टेक, मतलब अगर आप रीड करोगे तो एक महीने का मुझे लगता है आप 7-8 घंटे में या 10 आवर्स मैक्सिमम आप कंप्लीट कर सकते हो। अब इसका फ़ायदा क्या है, लेट्स सपोज आपने मंथली मैगजीन करी, हम बात करते हैं लेट्स से जून की, जून 2023 की आपने मंथली मैगजीन करी। अब आपको ये पता चल गया कि जून में क्या क्या टॉपिक हॉट न्यूज़, मतलब हॉट टॉपिक्स थे। अब आपको बैकग्राउंड पता है कि हाँ यार ये चीज़ें न्यूज़ में थी, एंड सो यू आर इन टच विद करंट अफेयर्स। सो जब PT 365 आएगा ना तो आपको ऑलरेडी वो न्यूज़ पता होगी, बस आप एक रिवीजन कर रहे होगे, आप उसे फर्स्ट टाइम रीड नहीं करोगे। तो इससे जो सॉल्यूशन होगा, एक तो आपकी एनजाइटी कम हो जाएगी, बिकॉज आपको ये नहीं होगा कि मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ यार, मैं मेरे को रिवीजन का टाइम नहीं मिला, वेदर आई एबल टू रिकॉल इट इन एग्जाम हॉल और नॉट, ये सारे इश्यूज खत्म हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट चीज़ क्या होगी, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि यार ये चीज़ तो मैंने ऑलरेडी पढ़ रखी है, ये मैं रिवाइज कर रहा हूँ, मेरी 3 रिविजन्स करंट अफेयर्स की हो गई हैं मेरे प्रीलिम्स से पहले, सो आई एम गुड टू गो इन द एग्जाम हॉल। सो वो कॉन्फिडेंस जो एग्जाम हॉल में आप लेके जाते हो ना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मतलब अगर आप 1-2 महीने का छोड़ भी दो, लेकिन आपके पास वो कॉन्फिडेंस है कि हाँ यार मैंने 10 महीने 12 महीने के अच्छे से कर रखे हैं, मल्टीपल रिविजन्स कर रखी है, सो फिर वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ना होंगे, सॉल्व होंगे, और आपकी रिकॉल वैल्यू भी स्ट्रांग होगी। सो दैट इज़ द रीज़न ऑफ डूइंग 1 मंथली मैगजीन विथ PT 365। अगर आप चाहें और आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट है तो आप सिर्फ PT 365 को भी फॉलो कर सकते हैं या फिर सिर्फ मंथली मैगजीन को भी कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना, PT 365 में कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं वो एक आध ऐड हो जाती हैं, जो कि हम शायद मंथली मैगजीन में मिस आउट कर देते हैं। सो दैट्स द रीज़न। और फिर और हाँ, एक और पॉइंट था कि PT 365 में ना जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी मंथली मैगजीन लिखी होती है उसके वो एस्पेक्ट जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है वो कट शॉर्ट कर देते हैं, तो ये सिर्फ प्रीलिम्स स्पेसिफिक हो जाती है। सो यू आर मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स प्रीलिम्स, सो ये फ़ायदा है। सो मैंने ये फॉलो किया था, एंड राइट नाउ फॉर माई इफ आई एम गिविंग द नेक्स्ट अटैम्प्ट, सो आई विल फॉलो द सेम रूटीन है ना, बट राइट नाउ तो आई एम फॉलोइंग मंथली मैगजीन फॉर माई HCS प्रीलिम्स विच इज़ इन नेक्स्ट मंथ। एंड या आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू गाइज कि मेरा PAE का एग्ज़ाम हो गया है 7 January को, एंड इट वॉज रियली ग्रेट। सो या दैट्स इट आई वॉन्टेड टू टेल यू गाइज। सो या थैंक यू फॉर बियरिंग मी, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन इफ़ यू हैव एनी क्वेरी पिंग मी इन द कॉमेंट सेक्शन, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज होगी आपको रिप्लाई मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, गुड नाइट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।